भारत ने पहली बार नदी के नीचे मेट्रो दौड़ाकर इतिहास रच दिया है। ये सब कुछ हुआ है कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो ने हुगली नदी के नीचे पहली बार मेट्रो रैक पर ट्रेन दौड़ा दी और ऐसा करके उसने इतिहास रच दिया। लंबे इंतजार के बाद देश की पहली मेट्रो ट्रेन गंगा नदी के नीचे दौड़ी। भारत में ये पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना है और इस दौरान वहां पर कोलकाता मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक पी उदय कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा सबसे पहले ये सुनिए। सो टुडे वी हैव डन द हिस्टोरिक मूवमेंट, आई मीन द फर्स्ट टाइम द ट्रेन हैज मूव्ड बिलो द हुगली रिवर, डीपेस्ट स्टेशन एट 33 मीटर्स ऑफ डेप्थ, इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया एंड ऑल्सो द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बीनीथ द रिवर दैट वी हैव लेड द लाइन एंड दिस इज अ हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर द सिटी ऑफ कलकत्ता। Also, the trials will be started off, so it will take about 7 months to complete the trials and the safety certificate, and then after that we will be able to start the regular services. कोलकाता के बिबड़ी बाग महाकरण से हावड़ा मैदान स्टेशन तक मेट्रो रेल की रैक नंबर MR612 ने पहली यात्रा की। इस रैक ने हुगली नदी को 11:55 पर पार किया। इस दौरान रेड्डी के साथ मेट्रो के अतिरिक्त महाप्रबंधक, कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के MD समेत कई लोग मौजूद थे। ट्रेन पहुंचने के बाद रेड्डी ने हावड़ा स्टेशन पर पूजा की। बाद में रैक नंबर MR613 को भी हावड़ा मैदान स्टेशन ले जाया गया। आपको बता दें कि यहां पर मेट्रो तो दौड़ा दी गई है, लेकिन इस पर अभी 7 महीने तक जो है वो ट्रायल होने हैं। 7 महीने के ट्रायल्स के बाद जब सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी होगा, इसके बाद यहाँ पर सामान्य परिचालन शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा है जब 33 मीटर नीचे ऐसा मेट्रो बना हो और ऐसा भारत में कहीं भी मेट्रो स्टेशन नहीं है जो कि 33 मीटर जमीन के नीचे है। आपको बता दें कि मेट्रो ने 45 सेकंड में हुगली नदी के 520 मीटर के हिस्से को कवर कर लिया और आपको बता दें कि नदी के नीचे बनी ये सुरंग जलस्तर से 32 मीटर नीचे है, जो कि अपने आप में अद्भुत है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत में नदी के नीचे मेट्रो दौड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।